बहुत तगड़ी कॉलिंग हो रही है, आपको सुनाता हूँ, अगर सुनाई देगी कैमरे में तो। हिरन कॉल कर रहा है, ये देखिए आवाज़ आई। ओह ओहो, नहीं कॉलिंग कितनी तगड़ी आ रही है सामने से, बहुत तगड़ी। यहीं से आ रही है। ये टॉर्च पकड़ो कोई, मैं फोन में मार रहा हूँ ना। ओ शिट भाई ओ इस तरफ शिट से आ रही है सोनी भाई, ओ शिट, एक सेकंड एक सेकंड, आस्ते आस्ते आस्ते। टाइगर की कॉलिंग है, टाइगर है ये, 100% टाइगर की कॉलिंग है ये। बहुत तगड़ी ज्यादा कॉल चल रही है ये, आसमान टाइगर है यहाँ, टाइगर है। हाँ 100% टाइगर है, 100% टाइगर है, 100% टाइगर है वो। इतनी तगड़ी कॉलिंग कर रहा है ये। मैं काम करूँ मैडम, जो बोली चली गई थोड़ा गाड़ी। हाँ गाड़ी निकाल ली, यहाँ पे चल रहा है, रोड में चल रहा है, रोड चल रहा है, रोड पे चल रहा है। ओह शिट, बहुत तगड़ी कॉलिंग है, जल्दी निकालो निकालो। नहीं नहीं अभी रुको, वो कह रहे हैं अभी रुको, वो कह रहे हैं अभी रुको। सामने सामने रोड पे है, चलो चलो चलो, गाड़ी निकालना। हाँ गाड़ी, और गाड़ी से उतरना मत, नहीं बिल्कुल नहीं उतरेंगे। बहुत तगड़ी, पहले तो मेरे को जाने दिख से है। वो काय काय काय, ये काय, वो सांबर है, सांबर अंदर, ये देखो ये कार कार। अपना वो जूम निकालो ना, ये इधर इधर कुछ है, डीएनए। ये इतनी तगड़ी कॉलिंग नहीं सुनी, बहुत तगड़ी कॉलिंग हो रही है इतनी पास। ओ आंखें देखना, वो लगातार हो रही है। ओ ओ ये यही कर रहे हैं, यही लेफ्ट करो लेफ्ट करो लेफ्ट करो, ये यही कॉल कर रहे हैं। ये जो सीन होते हैं ना, रोंगटे खड़े करने वाले, पूरा फील देते हैं। सही बात, जल्दी करो जल्दी, शेर अंदर ना है, जल्दी करो बाघ अंदर ना है, फटाफट फटाफट फटाफट, तगड़ी सीन चल रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ गाड़ी निकाल लो, चलो भैया गाड़ी निकालो, गाड़ी बैठो। वो गेट बंद करने के लिए खड़े हैं, गेट बंद करेंगे। चल रहे हैं हम, बहुत ही तगड़ी कॉलिंग चल रही है सांबर डियर और डियर की, इतनी तगड़ी। एक बजे ये टाइम देखिए आप, 12:57, और अब जो लास्ट में जो पिछले 10 मिनट से जो तगड़ी कॉलिंग हुई है, इतनी तगड़ी कॉलिंग मैंने तो नहीं सुनी ना सफारी में अपनी लाइफ की, और ना ही ऐसे। ये तो बहुत ही तगड़ा सीन चल रहा है, अगर लक हुआ तो आज सामने ही दिख जाएगा। जिस तरीके का यहाँ पे सीन हो रखा है, बहुत ही रिस्की सीन है, लेकिन हम अपनी गाड़ी में हैं तो हम सेफ हैं। बस गाड़ी ध्यान से थोड़ा सा ना, ये रुक दे, बस ऐसी जगह, बस वो नीचे देख के चलना कि ऐसी जगह ना हो कि गाड़ी ना फंसे कहीं, आराम से चले हम। इधर हम बड़ी गाड़ी कटनी मुश्किल है, देखो ये मार रहे हैं। ओ ओ ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये रहा सामने, ये रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। ओ भाई मतलब वो शिट वो शिट, नहीं, नहीं। क्या एक्सपीरियंस आ गया यार आज तो। ओ भाई मजा आ गया भाई, ओ भाई ओ मेरे मेरे मैं रोंगटे, मैं रोंगटे दिखाऊं अपने, ये देखो। ओ भाई ओ शिट, यहाँ से मोड़ लो भैया, वो भी पीछे हमारे।
भाई लेपर्ड इतना बड़ा, शेर से टाइगर से बड़ा। शर्ट मेरे रोंगटे, अरे मेरा वो शर्ट, ये देखो रोंगटे दिख रहे हैं इसमें भी बिना फ्लैश लाइट। नहीं दिख रही। ओ भाई सफल हो गया ये ट्रिप। एक दिन के लिए आए थे कि रिलैक्स करेंगे, वीकेंड पे कुछ दिख जाए तो नहीं रहा। सुबह तो बहुत ही गलत न्यूज मिली, लेकिन अब जो दिखा इतनी तगड़ी कॉलिंग के बाद, वो शिट। भाई आपके एक्सपीरियंस ने ना लेपर्ड दिखाने, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपके एक्सपीरियंस की वजह से दिखा, थैंक यू। तेरी बहुत तगड़ी हो रही है। ओ शिट यार, ये क्या चल रहा है, इतना खतरनाक सीन यहाँ पे। पर ये जो जिसने आज जो वो सुबह जिसने करा है चुको में पूरा फायरिंग और पटाखे के चक्कर में, वो ही मुझे लग रहा है कि वो ही साइड शायद है। नवीन भाई हो सकता है उसका इधर आना है ना, इधर से लेपर्ड की कॉलिंग हो रही है, इधर से टाइगर की, टाइगर इधर है और लेपर्ड सामने है। भाई साहब दोनों जगह से कॉलिंग चल रही है, लेपर्ड तो दिख ही गया, टाइगर और दिख जाए ना, पर टाइगर का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दूर है अभी बहुत, और इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। अब बताओ नवीन भाई क्या बता रहे थे आप मेरे को? ये बड़ी प्रजाति सर लेपर्ड की, जो हिल एरिया में रहती है। बड़ी मतलब दो प्रजाति होती है, एक छोटी छोटी प्रजाति जो आपने कॉर्पोरेट के अंदर म्यूजियम में देखे होंगे, लेपर्ड की डंपी लगाए जाते हैं। सरिस्का में देखा था मैं, राजस्थान में, वो छोटा था। हाँ तो ये बड़ा, रणथंभौर में बड़ा देखा था। ये फिर ये मेरे को बहुत ही खतरनाक लगा ये वाला, तो क्योंकि इसको इतनी देर देखा ना, बाकी जो मैंने सफारी में देखो ऐसे निकल गए सामने से, ये तो बहुत टाइम से देखा, बहुत आपका सिर्फ आपकी वजह से। डेढ़ बजे हम सारे यहाँ पे बैठ के आग सेक रहे हैं, क्यों? क्योंकि कॉलिंग चल रही है उधर, उधर हिरन की, डियर की कॉलिंग है, उधर सांबर डियर की, क्योंकि उस साइड है टाइगर और इधर लेपर्ड जो हम देखा है। और अभी भी हम वेट कर रहे हैं उम्मीद में, क्योंकि हमारे साथ नवीन भाई हैं, तो हमें उम्मीद है अभी कि नवीन भाई द बेस्ट गाइड। ये तो है, मैं मान गया। पिछली बार भी नवीन भाई ने कम से कम 3-3.5 घंटे हमें घुमाया, पूरी कोशिश करी भाई ने। उस टाइम तो कॉलिंग वॉलिंग भी नहीं हुई थी। फ्लैश ये देखो कितनी तेज, ठीक है। तो आज का दिन रहा बहुत ही शानदार, मजेदार, और उससे भी ज्यादा बेहतर है रात की ये नींद हमारी, छोटी सी सफारी, बहुत ही मजा आ गया कसम से। चलो सोते हैं, रात के बज गए 2:30 और सुबह निकलेंगे हम अपने दिल्ली के लिए, और सुबह भी अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। मुझे ऐसा लगता है जैसी सिचुएशन यहाँ चल रही है, सुबह भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ये इंसान तो सो रहा है, कहाँ सो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो गुड नाइट, ओके। क्या हुआ उसका बड़े भाई, टाइगर कल वाला? वो सर वो पकड़ा गया, वो कल शाम 2-3 बार आया पिंजरे में, आया था पकड़ा गया कल शाम को ही, या अभी हुआ है आज? रात नहीं, रात 2:30 बजे पकड़ा गया। मेल टाइगर वही था, वो जो पहले कौन सा था, अभी वो नहीं पता चला ना कौन सा टाइगर था। क्या वो वाला टाइगर पता नहीं चला ना जो आप कह रहे थे? ये तो सैंपल में बदला गया। तो वी आर अबाउट टू चेक आउट नाउ, सब तैयार हो गया, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, सब कुछ रख के अब हम निकल रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 12 और 12 बजे यहाँ से निकल के अब हम सीधा निकलेंगे दिल्ली की तरफ। लक हुआ तो फिर से बीच में रास्ते में कुछ दिख सकता है, और बहुत ही अमेजिंग एक दिन का ट्रिप था। हाँ मतलब कुछ हादसा हुआ कल यहाँ पे जो अच्छा नहीं है, बट भगवान उनकी फैमिली को ये चीज़ बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बाकी
अपनी तरफ से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि जिस टाइगर ने वो किल किया था कल, वो टाइगर रेस्क्यू हो चुका है आज, और जहाँ तक है उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया है। तो यही है आज की न्यूज़ जिम कॉर्बेट से, मोहान से। और अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे दिल्ली की तरफ, तो चलते हैं। ठीक है दीपक भाई, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर। तो कैसी रही सबकी जर्नी? बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया सबको, मजा आ गया। जो रात को जो सीन दिखा है ना, सोचा नहीं था इतनी पास ऐसा दिख जाएगा, लेकिन किस्मत थी। अब चल रहे हैं, 20-25 मिनट का रास्ता और है जो हम टूवर्ड्स दिल्ली जाएंगे, जंगल का एरिया, उसमें कुछ दिख जाता है तो बहुत ही बढ़िया, वरना तो कोई नहीं, फिर आएंगे अगली बार। तो कल तो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई वीरू भाई से, तो अब एक बार जाके देख रहे हैं अगर मैगी पॉइंट पे हैं भाई, छोटा भी मैगी पॉइंट पे, तो भाई से मिलकर निकलते हैं सीधा, चलते हैं अंदर फिर से। अभी मैगी पॉइंट से हम निकल गए हैं क्योंकि वीरू भाई यहाँ पे भी नहीं है। ओए ये देखो बच्चा खेल रहा है, देखो खींच के ले आ भाई से, भाई से मिल ही लेते हैं, इतने टाइम है, दो दो दिन से ढूंढ रहे हैं भाई को। हाँ देख लिया सुबह सुबह ही मैंने, शॉर्ट भी, शॉर्ट तो कल ही देख लिया था, आज वीडियो भी डाल दिया वो देखा मैंने उनसे, दीपक भाई ने, मैं कल उन्हें फोन कर रहा था, मैं वो था चेक इन, मैंने कहा भाई से पूछूं कुछ कॉलिंग वॉलिंग हो रही है, उन्होंने तो अलग ही सीन बता दिया, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। ये पर हुआ तो गलती है, देखो इसमें थोड़ा ना लापरवाही भी है, अब वो सोलर फेंसिंग लगाई है, पर वो सोलर फेंसिंग वो वाला जो आपने दिखाया नाले वाला, तो पूरा खुला हुआ है, हाथ ही घुस जाए उसमें, तो बहुत खतरनाक ही सीन था वो बहुत। आपने यहाँ ये वाला कब बनाया? चार महीने, फायरिंग हो रही थी, ये वाला भी आप पूरा बढ़ा रहे हो क्या इसे? दूसरा आज गाय मारी है सुबह, वही सुबह बता, ये बता रहे हैं वो वहाँ पे, मेरे को पता नहीं, दीपक भाई ने उनकी मम्मी वगैरह बता रहे हैं वहाँ पे कि आज गाय मार दी सुबह, फिर दूसरी कल भी मारी थी ना, दो टाइगर हैं। तो उसके साइज से डाउट हुआ मुझे, मैंने कहा ये वो टाइगर तो नहीं है। अच्छा ये तो बहुत बड़ा है क्या आज वाला? ये छोटा है, उससे भी बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा था। कल वाला तो इंजर्ड है, लेपर्ड लंगड़ा के चल रहा है कल वाला। ये देखो वीरू भाई की नई जगह दिखाता हूँ मैं आपको, चार महीने हो गया सिर्फ खाने का ही है, खाना पीना। ये लोकेशन आपकी थी क्या वीरू भाई? आपकी जगह है क्या? बढ़िया बना रखा है। ये वीरू भाई की नई लोकेशन, इसको भी बने हुए चार महीने हो चुके हैं पूरे, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे शायद अभी, तो सभी है। ये लोकेशन देखिए आप पीछे से, पूरा माउंटेन रेंज, बहुत ही बेहतरीन सी जगह, छोटा भी मैगी पॉइंट। इस साइड में फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई के यहाँ, बाकी बाहर वाली जगह तो हम पहले भी आ चुके हैं। चलो फिर देखिए क्या बेहतरीन लोकेशन है, और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच, पता नहीं भाई लोग हमें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, मन तो बहुत कर रहा है आधा घंटा भाइयों के साथ खेलने का, ऐसा लग रहा धर्मशाला में मैच चल रहा है पहाड़ों के बीच। बड़े भाई खिला लो यार, आधे घंटे में निकलना है, मैच चल रहा है क्या? सेकेंड इनिंग चल रही है, कितने रन कितने ओवर का खेल रहे हो? कितने हो गए? अरे तीन ओवर, ढाई ओवर बचे बस, कितने रन चाहिए जीतने को? अभी कितने हो गए? जाओ चलते चलो भैया। हाँ पूरा चौका है सारा, एक बॉल चार मार दिए। भाई कितनी बॉल हो गई? भागो भागो भागो, कीपर कीपर भागो, भाग भाग कहते पकड़ से बॉल है भाई, बॉल है अपना, बॉल
मत कर, बहुत बढ़िया। अरे काकू भाई मेडन जा रहा है यार। थ्रो में जान नहीं रही। छोटा भीम भाई के पास से निकल चुके हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेल लिया, बढ़िया मजा आया। और अब चलते हैं दिल्ली और सीधा अब रुकेंगे कहीं थोड़ा लंबा खींच के, क्योंकि कोहरा होने से पहले पहले हाईवे क्रॉस करने का सोच रहे थे, बट शाम हो जाएगी। तो अभी हम रुके हैं ओल्ड स्कूल पे, जो कि है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट। ये पड़ता है जैसे ही हम जिम कॉर्बेट से निकलते हैं, आप रामनगर से थोड़ा आगे आओगे तो मुश्किल से आधे घंटे में आपको ओल्ड स्कूल रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और ये सारी जगह इनकी है, वो देखिए खेत वेत भी सब इन्हीं के हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, हम हमेशा यहाँ पे आके रुकते हैं क्योंकि खाना बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। और अब ये देखिए इन्होंने ना कबाना टाइप्स बना दिए हैं, ये तो पहले से बना रखे थे लेकिन रिसेंटली जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो ये रहा इनका लाइव किचन टाइप्स। ये तो दिख रही है ऐसे लाइव तो नहीं, मतलब एक किचन सेटअप इनका यहाँ हो गया, वरना पहले पीछे हुआ करता था। ये कबाना और ये भी एक इनका एरिया है जहाँ पे यू कैन सिट एंड हैव योर मील। बाकी अंदर से मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये थोड़ी सीटिंग चेंज कर दी है शायद पहले से, पहले की सीटिंग चेंज कर दी है आपने पहले। क्या भैया ये आपका लबाबदार, ये चिकन लबाबदार आ गया है, ये मटन रोगन जोश, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। बटर रोटी आ गई है। भैया का नाम क्या है? चेतन बोरा। चेतन बोरा, चेतन भैया पहले वहाँ थे ब्रिज केव्स, बता ब्राइस केव्स में। अच्छा। मोहन में वही मैंने बात कर रहे थे, बता रहे थे अभी वहाँ का। बाकी आपकी मिस्सी रोटी और दाल तड़का रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, सर्विस आपकी भी और खाना तो है ही टेस्टी। खा के देखो, धुआं हुक्के का उड़ रहा है। ओल्ड स्कूल में, ओल्ड स्कूल कैफे बहुत बार आ चुके हैं हम यहाँ पे, इसलिए आते हैं। टेस्टी खाना बहुत और सर्विस भी अच्छी है। बाकी प्याज चटनी मंगवा लो भैया थोड़ा सा इनसे ना बोल के। मनोज भी, मनोज भी आ गई, मिस्सी रोटी और दाल रह गई, सिर्फ मिस्सी रोटी और दाल। तो बोला ही था।